ट प्लस फाइव बाई इज इक्वल टू सेवन ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव बाई इज इक्वल टू पी तो यहाँ से इसको जब हमने क्या ये साइड ऑफ रोमबस है तो अगर हम एक रोमबस ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा तो ये रोमबस की ये साइड से क्या है ये ये एक दूसरे के पैरल होंगे एक दूसरे के पैरल होंगे तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी जो ये मतलब कि सभी साइड्स क्या इक्वल होती हैं तो अगर ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी हो जाएगा ए बी सी डी हो गया तो ए बी के बीच की ये क्या हो गया ए डी हो गया और ये क्या हो गया बी सी हो गया इसके बीच जो डिस्टेंस होगी सी डी और ए बी के बीच डिस्टेंस दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि पैरल ला、लाइन कौन कौन सी होगी यहाँ से थ्री एक्स माइनस फोर वाईक्वल तो क्या यह ट्वेल्व लिखा हुआ है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरल होंगे और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरल पे हम डिस्टेंस फॉर्मले अप्लाई करें जब दो लाइन हमें दो लाइन दी है तो इनके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमें क्वेश्चन में क्या AX में दिया हो ए एक्स प्लस में बी वाई दिया हो प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो दिया है और यहाँ से ए एक्स दिया है प्लस में क्या दिया है बी वाई दिया है प्लस में डी इज इक्वल टू यहाँ से क्या जीरो दिया हुआ है तो इसके बीच का अगर हम क्या फाइंड आउट करें डिस्टेंस फाइंड आउट करें डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है कि इसको यहां से क्या हो जाएगा डिस्टेंस ये हो जाएगा क्या सी माइनस में हो जाएगा डी डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ से क्या रूट ऑफ हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा मॉड क्यू लगा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो सेम फॉर्मला में इसमें अप्लाई करेंगे तो दो दो पैरेलल लाइन को आपस में ऐड करेंगे तो पहली क्या थ्री थ्री एक्स माइनस फोर बाय डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से ए भी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी तो दो लाइन दी है तो यहां से एक दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मॉड ऑफ हो जाएगा क्या ट्वेल्व माइनस में हो जाएगा टू ट्वेल्व माइनस में हो जाएगा टू और डिवाइड बाय आ जाएगा क्या थ्री स्क्वायर मीन्स हो जाएगा नाइन प्लस फोर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या सिक्सटीन हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस d मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगी हो जाएगा p माइनस में हो जाएगा सेवन और डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहाँ से क्या ये रूट ऑफ हो जाएगा क्या वन फोर्टी फोर हो जाएगा वन फोर्टी फोर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा ये

प्लस में सेवन हो जाएगा तो हमें यहाँ से पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी पी इक्वल टू हो जाएगा क्या एक थर्टी थ्री हो जाएगा और एक पी इक्वल टू क्या जाएगा? हो जाएगा यहां से नाइनटीन हो जाएगा माइनस में क्या नाइनटीन तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के क्या बोल रहा था कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द लाइन इज कंस्टिट्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने के बोला था मैक्सिम वैल्यू से क्या हो जाएगी यहाँ से थर्टी थ्री हो जाएगी